ये है किमी नेप्को कॉलोनी, बहुत ही सुंदर जगह है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बिंदास होंगे, एकदम खुश होंगे। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ, एक छोटा सा जर्नी है मेरा, साथ में मेरा दीदी का जो बच्चा है जो कि इस वक्त उठ चुका है ये भी। तो हम दोनों आज भालुकपुंग की ओर जा रहे हैं। दीदी जो एक्चुअली दीदी जो है भालुकपुंग में रहती है एंड वो वहीं पर जॉब भी करती है। तो कुछ समय के लिए दीदी जो है अपना बच्चा को हम लोग के घर में छोड़ के गया था। तो वहाँ पर उसको ड्यूटी भी जो ठीक से करने नहीं देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए हम लोग के घर में उसको थोड़ा देर के लिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ के गई थी। तो और जब से ये जो नीनू जो है हम लोग घर में है, हमको भी व्लॉग भी कहीं में भी जाके बनाने नहीं देता है। ये बहुत परेशान करता है, हमको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो हर जगह पीछे पीछे करता है। तो अभी जस्ट हम दोनों उठा है, ये हमें उठ के रखा है, उठो आओ उठो। ये है मेरा न्यून्यू, मेरा दीदी का बच्चा, इसको हम प्यार से न्यून्यू बोलते हैं। तो ये बहुत चंचल है और हमको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अभी हम दोनों अभी जस्ट उठा है। तो चलिए न्यून्यू, अभी हम दोनों सीधा पैसा करके सुमो काउंटर में मिलते हैं ना। पापू को ताता करो, ताता बिल्कुल। तो वो है मेरा माँ। तो चलो अभी चलते हैं, रेडी फ्रेश अप हो गया ना, ठीक है। तो अभी गाइस अभी हम लोग अपना कॉलोनी में जा रहे हैं। ये हमारा कॉलोनी सीढ़ी कॉलोनी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा सीढ़ी है। तो यहाँ पर यमी भी अभी आगे आगे जा रहे हैं, बहुत खुश है अपना मम्मी को मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग भालुकपुंग सुमो काउंटर भी पहुँच गए हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल जाएगा। न्यून्यू का हाथ में क्या है? क्या है? चिप्स और मिठाई भी है ना। अच्छा चलो अभी जाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग काउंटर पहुँच चुके हैं। अभी इस बार न्यून्यू हम दोनों गाड़ी का अंदर बैठ रहा है। क्या खा रहा है? चिप्स खा रहा है। क्या मैं न्यून्यू क्या चोरी कर रहा है? ये है चोरी कर रहा है ना। क्या ले लिया? जेली लिया। चलो तो गाइस यहाँ से हमारा यात्रा शुरू होती है। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए गाइस। तो इसी के साथ हमारे सिपा वेलकम गेट को भी हम लोग पार कर रहे हैं अभी। गाइस देख सकते हैं ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये जो हमारा ईस्ट कमिंग का लॉन्गेस्ट ब्रिज है आप तक का। तो बहुत ज़्यादा लंबा है, ये जो पाना में लोकेटेड है। तो इसी के साथ अभी हम लोग पहुंचते हैं हमारे वेस्ट कमिंग के जो जीरो पॉइंट। तो यहाँ पर दो रास्ता है, एक रास्ता जो है बोमदिला जाने के लिए, और जिस रास्ते में अभी हम लोग जा रहे हैं वो है हमारा भालुकपुंग आसाम तेजपुर जाने का रास्ता है। तो जैसे ही अभी हम लोग जीरो पॉइंट पहुँचे हैं तो यहाँ पर हम लोग को रास्ता में पूरा फोगी से भरा हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप लोग मेरा जर्नी के थ्रू आप लोग भी मेरा साथ में एंजॉय कर सकते हैं। जो नज़ारा है, जो व्यू है आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है।
अभी यहाँ एक होटल में रुका हुआ है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम लोग नाश्ता करेगा, उसके बाद में हम लोग फिर से जर्नी शुरू करेगा। तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और ये जगह जो है काफ़ी सुंदर है। तो जैसे ही हम लोग नाश्ता करने के बाद में अभी हम लोग फिर से अपना जर्नी को शुरू कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से बालपुंग इतना खास दूर नहीं है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग का जो गाड़ी का जो टायर है वो जो पंचर हो चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। चलो 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 अभी घुसते हैं। इसी के साथ अभी हम लोग पहुँचते हैं बालपुंग। फिर बालपुंग से मेरा न्यून्यू हम दोनों को किमी जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यून्यू का जो माँ है यानी कि मेरा दीदी जो है किमी में बैठता है। तो वहाँ पर जाने के लिए आपका रास्ता जो है एक घंटा का समय लगता है उसमें। चलो तो चलते हैं। तो गाइस अभी मेरा न्यू हम दोनों एक होटल में वेट कर रहे हैं दीदी का, तो अभी दीदी भी थोड़ा देर में आ जाएगा। तो ये होटल का नाम है महाकाली होटल। हाँ सो गाइस इस वक्त मैं किमी में हूँ। तो कल हम लोग शाम को पहुँचा है किमी सिपा से बालपुंग। हम लोग 12 बजे से पहुँच चुका था, तो वैसे तो बहुत जल्दी पहुँच जाता है सिपा से बालपुंग। तो हम लोग का कल सुमो का जो टायर था वो पंचर हो गया था बीच रास्ता में, तो उसका कारण से थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिर से अभी जो ये जो बालपुंग और किमी का जो डिस्टेंस है रास्ता का एक घंटा लगता है 1 आवर, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना किलोमीटर हो सकता है। तो अभी मेरा पीछे एक अंकल आ रहा है, उससे हम लोग पूछते हैं किमी का जो जगह का बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, और यहाँ में कितना कॉलोनी है वो सब भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं अंकल से अभी। चलिए तो गाइस अभी हम लोग अंकल से थोड़ा सा पूछताछ करते हैं लेते हैं। तो अंकल ये जो जगह आप लोग आपका जो पीछे में देख रहे हैं ये जो जगह का क्या नाम है? हमें टिंटू कॉलोनी है। हाँ उसको बोलते हैं ऊपर कॉलोनी भी बोलते हैं और नेपो कॉलोनी भी, नेपो कॉलोनी भी बोलता है। हाँ और नीचे वाला बोलता है पारमन कॉलोनी। हाँ और एक इधर में नीचे में है। हाँ उसको बोलता है निच कॉलोनी। निच कॉलोनी। हाँ अच्छा अच्छा नीबू निच कॉलोनी बोलता है। सब नीबू के आदमी लोग बैठता है काम करने वाला लोग। अच्छा वही ठीक है, थैंक यू अंकल ना यहाँ इतना बताने के लिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा नेपको कॉलोनी को अंदर घुस के देखते हैं, थोड़ा सा नज़ारा को देखते हैं।